बढ़ते कोरोना मामलों पर यदि काबू नहीं किया गया तो देश के अन्य राज्य भी आ सकते हैं इसके चपेट में। नमस्कार, मैं हूं मनीषा तिवारी और आप देख रहे हैं प्राइम न्यूज 24। जिस तरीके से महाराष्ट्र में कोरोना केसेस बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं, इसे लेकर महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री श्री उद्धव ठाकरे जी ने एक बैठक भी बैठाई थी, जहां पे उन्होंने महाराष्ट्र के पब्लिक को ये चेतावनी देते हुए कहा कि यदि महाराष्ट्र के पब्लिक नहीं संभली या फिर सही ढंग से मास्क का उपयोग नहीं किए तो शायद से एक बार फिर से लॉकडाउन की स्थिति आ सकती है। आपको बता दूं कि महाराष्ट्र के अलावा अभी केरल, पंजाब और एमपी में भी कोरोना वायरस के नए स्ट्रेन पाए गए हैं और कोरोना केसेस बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं। कोरोना केसेस के दो नए स्ट्रेन आए हैं जिनको नाम दिया गया है N440K और E484K। ये दो नए वायरस जो हैं वो काफ़ी ज़्यादा खतरनाक हैं और काफ़ी तेज़ी से बढ़ते हुए नज़र आ रहे हैं। आपको बता दो कि जिस तरीके से महाराष्ट्र में कोरोना केसेस बढ़ते हुए नज़र आ रहे हैं, 24 घंटे में 16,000 केसेस मिले तो वहीं 138 लोगों की मौत हो गई। अब इस पे आपकी क्या राय है, क्या एक बार फिर से लॉकडाउन की स्थिति आ सकती है या नहीं, ये हमें कमेंट सेक्शन में कमेंट करके ज़रूर बताएं। और ऐसे ही देश दुनिया के ताज़ा तरीन खबरों के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें।